हेलो स्टूडेंट गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स ऑन दी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ अड्डा टू फोर्टी सेवन आप सभी लोगों का डेट अड्डा टू फोर्टी सेवन पे आप सभी लोगों का स्वागत है अरविंद साहब आज की क्लास का जो अभी आप क्लास ले रहे हैं उसका लिंक ग्रुप पे सेंड करिएगा एक मिनट अरविंद जी जो क्लास अभी आप ले रहे हैं जो क्लास अभी आपकी गोइंग ऑन है इस क्लास का लिंक शेयर करो ग्रुप पे अरविंद प्लीज शेयर द लिंक ऑफ टूडेज क्लास ऑन अ ग्रुप जो टेलीग्राम ग्रुप है उस ग्रुप पे आज की क्लास का लिंक शेयर करें प्लीज़ फटाफट जल्दी से एकदम आज की क्लास का लिंक शेयर करें गुड आफ्टरनून जी गुड आफ्टरनून अरविंद जी प्लीज जल्दी से इस क्लास का लिंक शेयर करें ओके थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू जी ओके थैंक यू ओके थैंक यू सो मच एक्चुअली मैं इस लिंक को मैं ढूंढ नहीं पा रहा था मुझे आपके कमेंट भी देखने होते हैं तो इसलिए मैं ग्रुप आपको सेंड कराया थैंक यू सो मच अरविंद साहब थैंक यू जी मिल गया वो मुझे मिल गया ओके okay, गाइस <laughs> तो जैसे कि आप लोग जानते हैं ना कि हम लोगों ने कल आप लोगों को वर्क डन कैलकुलेट करना सिखाया था याद होगा बिल्कुल और कल मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था कि हाउ विल फाइंड आउट दी वर्क डन आपको वर्क डन कैसे फाइंड आउट करना है तो वर्क डन क्या होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है कहने का मतलब यह है कि फोर्स का वही कॉम्पोनेंट आपको वर्क डन देता है जो कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में लगता है यानी कि आपको यह बात बिल्कुल क्लियर है कि जब भी आपको वर्क डन फाइंड आउट करना होगा तो आपको फोर्स का वही कॉम्पोनेंट लिखना है जो कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में लगने वाला है और जो कॉम्पोनेट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में लगेगा वही कॉम्पोनेंट आपको वर्कडन देगा और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक चीज बता देता हूं आज जो मुझे आपको पढ़ाना है यह भी बहुत ही मस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मुझे आपको आज एनर्जी लिखना सिखाना है कि एक सोलिड बॉडी के पास कौन कौन सी एनर्जी की फॉर्म हो सकती है और आप एनर्जी कैसे लिखते हैं जैसे लोग आप प्लीज जो भी स्टूडेंट एक फटाफट जैसे स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है

और लेकिन उस बासठ परसेंट ऑफ को, को पाने के लिए आपको इस कॉपन कोड का यूज करना पड़ेगा वाई आप अगर इस तो एंड प्लीज गाइज अब मैं आगे की ओर बढ़ता हूं अब टॉपिक अब आपका यहां से स्टार्ट करते हैं बस थोड़ा सा प्लीज सुनते चले जाएंगे आज मुझे आपको एनर्जी लिखना सिखाना है और मैं एनर्जी भी या तो किसी रिजिड बॉडी की बात करता हूं या किसी एक सोलिड बॉडी की बात करता हूं मुझे एनर्जी लिखना सिखाना है तो गाइस सबसे पहला आप यहां पर देखिएगा कि अगर आपके पास कोई भी एक रिजिड बॉडी होती है या आप उसको रिजिड बॉडी कहें या एक सोलिड बॉडी कहें तो उसके पास दो टाइप की यानी कि टू फॉर्म ऑफ एनर्जी हो सकती है एक एनर्जी आपके पास काइनेटिक एनर्जी होती है और दूसरी एनर्जी आपके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है यानी कि एक बॉडी के पास दो फॉर्म ऑफ एनर्जी हो सकती हैं और कौन कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी हो सकती हैं उन दोनों फॉर्म ऑफ एनर्जी को मैंने आपको लिख के दिखाया द फर्स्ट वन इज का एनर्जी एंड वन इज पोटेंशियल एनर्जी यानी कि एक सॉलिड बॉडी के पास दो टाइप की एनर्जी हो सकती है एक काइनेटिक एनर्जी हो सकती है और एक आपके पास पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है तो सबसे पहले आज की क्लास में मैं आपको सबसे पहले मैं आपको काइनेटिक एनर्जी लिखना सिखाना चाहता हूं फर्स्ट वन वी वांट टू राइट डाउन द दवन काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी आप कैसे लिखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी दो तरीके की हो सकती है या तो कोई आपके पास एक सोलिड या रिजिड बॉडी हो जो प्योर ट्रांसलेशन कर रही थी यानी कि एक बॉडी ऐसी हो जो केवल एक ट्रांसलेशन मोशन कर रही थी या कोई बॉडी ऐसी हो सकती है जो रोटेटरी बॉडी है कैसी बॉडी है रोटेटरी या तो मोशन आपकी ट्रांसलेटिव टाइप की हो सकती है या बॉडी आपकी रोटेटरी टाइप की मोशन कर सकती है यानी कि अगर कोई बॉडी लीनियर ट्रांसलेशन करेगी तो उसके पास एक काइनेटिक एनर्जी होने वाली है या एक बॉडी या तो रोटेट करेगी तो ड्यू टू रोटेशन भी उसके पास काइनेटिक एनर्जी हो सकती है यानी कि आप ये कहने वाले हो प्लीज अगेन फिर समझ लें देखो जब आप कभी फ्लूड मैकेनिक्स पढ़ोगे तो फ्लूड मैकेनिक्स में भी आपको इसी टाइप से एनर्जी लिखना सीखना पड़ेगा मैं यहां पे जो आपको एनर्जी लिखना सिखा रहा हूं वो किसी एक सॉलिड बॉडी की बात कर रहा हूं अगर ये मेरे पास एक फ्लूड बॉडी होती कौन सी बॉडी होती फ्लू बॉडी अगर यह बॉडी आपके पास कौन सी बॉडी होती बॉडी होती और में भी मैं बड़ा स्पेशल केस जैसे आप मैकेनिक्स में लिक्विड फॉर्म की बात करते हैं तो याद रखना मैं लिक्विड फॉर्म में एक एनर्जी और एड कर देता उस एनर्जी का नाम होता फ्लोवर्क क्या नाम होता उस एनर्जी का फ्लोवर्क यानी कि एक पार्टिकल के पास अगर फ्लूड मैकेनिक्स के अंदर अगर आप कोई चीज पढ़ेंगे तो फ्लूड के अंदर आप एनर्जी के तीन कॉम्पोनेंट लिखते हैं एक कौन सा कॉम्पोनेंट होता है क्योंकि तो 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 हो और उस वर्क को वर्क कहते हैं बहुत सारी बुकों में तुम वर्क को प्रेशर एनर्जी भी कहते हैं पढ़ा होगा आपने ना बर्नोली एनर्जी इक्वेशन में कभी यू नो दर्नोली एनर्जी इक्वेशन बर्नोली एनर्जी क्वेश्चन में आप थ्री कंपोनेंट ऑफ एनर्जी लिखते हैं एक कंपोनेंट ऑफ एनर्जी प्रेशर एनर्जी हेड होता है दूसरा काइनेटिक एनर्जी हेड होता है और तीसरा पोटेंशियल एनर्जी हेड होता है लेकिन प्रेशर एनर्जी हेड को तुम फ्लोवर्क एनर्जी भी कह सकते हैं प्रेशर एनर्जी हेड को आप फ्लो एनर्जी भी कह सकते हैं प्लीज गाइज अगेन फिर सुने फ्लो एनर्जी को हाँ जी मैथ एग्जामिनेशन भी होता है मैथ भी होता है मैथ भी गेट के एग्जामिनेशन में होता है बिल्कुल <laughs> तो प्लीज अगेन सुने मैकेनिक्स के अंदर थ्री कंपोनेंट ऑफ एनर्जी होते हैं और तीन कंपोनेंट में एक तो फ्लो वर्क होता है एक काइनेटिक एनर्जी होता है और एक पोटेंशियल एनर्जी होता है और फ्लो वर्क को आप क्या कहते हैं बर्नोली एनर्जी इक्वेशन में फ्लो वर्क को आप प्रेशर एनर्जी हेड कहते हैं लेकिन मैं आज आपको यहां जो एनर्जी लिखना सिखा रहा हूं वो एनर्जी केवल और केवल एक रिजिड बॉडी या एक सोलिड बॉडी के लिए लिख के दिखा रहा हूं तो एक रिजिड बॉडी या एक सॉलिड बॉडी के लिए जो एनर्जी है वो केवल दो फॉर्म की एनर्जी हो सकती है एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी लेकिन काइनेटिक एनर्जी भी दो तरीके से हो सकती है काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है कि बॉडी किस तरीके की मोशन कर रही है अगर बॉडी प्योर ट्रांसलेशन मोशन कर रही है तो उसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी आएगी काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो मोशन होने की वजह से बनकर आती है जो ड्यू टू वेलोसिटी बनती है अगर कोई बॉडी प्योर ट्रांसलेशन मोशन करती है तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी होती है जिसको तुम क्या कहते हैं हाफ एम वी स्क्वायर ट्रांसलेशन के केस में अगर कोई बॉडी रोटेट करती है तो काइनेटिक एनर्जी बिकम इज इक्वल टू स्क्वायर तो आज आपको यही सिखाना है कि आप ट्रांसलेटिव एनर्जी कैसे लिखोगे और रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखोगे तो मैं वन बाई वन करके एक पॉइंट को एक्सप्लेन करता हूं तो चलो स्टूडेंट्स जैसे मैंने आपको यहां लिख के दिखाया है सबसे पहले मैं कॉनेटिक एनर्जी की बात करता हूं तो कनेटिक एनर्जी किस किस की वजह से हो सकती है ड्यू 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 टू 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 ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन हो 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 सकती 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 है 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 बिल्कुल एनर्जी रोटेशन और ड्यू टू ट्रांसलेशन जो कानेटिक एनर्जी बनके आएगी उसको लीनियर फॉर्म ऑफ एनर्जी कहेंगे जो रोटेशन होने की वजह से कानेटिक एनर्जी बनेगी उसको रोटेशनल एनर्जी कहते हैं उसको क्या कहते हैं रोटेशनल एनर्जी कहते हैं यानी कानेटिक एनर्जी या तो ड्यू टू ट्रांसलेशन आएगी या ड्यू टू रोटेशन आएगी ट्रांसलेशन होने की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी बनेगी उसको लीनियर फॉर्म लीनियर फॉर्म ऑफ एनर्जी कहते हैं लीनियर फॉर्म ऑफ एनर्जी कहते हैं जो रोटेशन होने की वजह से बनेगी उसको रोटेशनल फॉर्म ऑफ एनर्जी कहते हैं रोटेशनल फॉर्म ऑफ एनर्जी कहते हैं ओके गाइज तो यू हैव गोटेड माई पॉइंट आपको मेरी बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी इस स्वरूप रॉय आपका टेलीग्राम ग्रुप का चैनल का नाम आपको अरविंद साहब सेंड करेंगे अरविंद जी इसको टेलीग्राम ग्रुप सेंड करो बच्चों को तो काटिक एनर्जी चलो प्लीज मैं वन बाई वन करके सारी चीजें समझाता हूं हियर वी वॉन्ट टू एक्सप्लेन द कानेटिक एनर्जी एंड ड्यू टू प्योर ट्रांसलेशन ड्यू टू प्योर ट्रांसलेशन प्लीज थोड़ा सा दिमाग का यूज करेंगे यहां पे अब प्लीज जरा सुनिएगा वन मिनट सपोज करो जैसे मैं ट्रांसलेशन की फॉर्म में एनर्जी लिखना चाहता हूं जैसे फॉर एग्जाम्पल लेकिन ट्रांसलेशन के केस में आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी वो चीजें मैं आपको यहां समझाता हूं जैसे सपोज करो ये आपके पास कोई हॉर्जेंटल फ्लोर है ये कोई एक हॉर्जेंटल फ्लोर है और इस हॉर्जेंटल फ्लोर पे कोई भी आपके पास एक कार है जैसा बस ले लो चाहे या कार बोल दो कार बोलो या बस बोल दो जैसे ये कार है तो ये कार इस हॉर्जेंटल फ्लोर पे क्या कर रही है रनिंग करने वाली है दौड़ रही है भाग रही है ये ये भाग रही है रन कर रही है तो ये कार जो आपने यहां बनाई है दिसोनी सोनी दी वन कार ये कोई कार है और इस फ्लोर पे हॉरिजॉन्टली और ये जो फ्लोर आपने मुझे बना के दिखाया है सपोज करो ये फ्लोर आपका बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है फ्लैट है बिल्कुल फ्लैट बिल्कुल फ्लैट है यानी कि कार अगर भागेगी तो किसी एक लीनियर वेलोसिटी से भागने वाली है लेकिन अगर सपोज करो ये कार है तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक पर्सन यहां पे बैठा हो सपोज करो ये कोई एक पर्सन है और इस पर्सन को मैं ए कह देता हूं ये कोई ए, ए वाला पर्सन है वो इसके फ्रंट में बैठा है एक पर्सन यहां है कोई पर्सन इसके ऊपर टॉप पे इस कार के टॉप पे खड़ा है सपोज करो ये बी पर्सन है एक पर्सन इस कार के बिल्कुल बैक में खड़ा हुआ है यहां पे पीछे खड़ा है सपोज करो ये पर्सन आपका सी है एक पर्सन आपका बिल्कुल यहां पे बैठा हुआ है सपोज करो ये पर्सन आपका डी है तो यहां पे कार के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन पे बहुत सारे पर्सन हो सकते हैं जैसे मैं एक सिंपल से एक आइडिया बोल देता हूं आपको जैसे बस है बस क्या होता है बस के अंदर क्या होता है जैसे बस होते हैं तो कोई पर्सन बस के बिल्कुल फ्रंट में बैठा हो ऐसा हो सकता है कोई पर्सन बस के टॉप में बैठा हो या कोई पर्सन बिल्कुल बस के पीछे बैठा हो या कोई पर्सन बस के बीच में बैठा हो तो जब बस मूव करती है तो जितने भी पैसेंजर्स आपके बस के अंदर बैठे हुए होते हैं सारे सारे के पैसेंजर्स सेम वेलोसिटी से मूव करते हैं सारे के सारे पैसेंजर्स सेम वेलोसिटी से मूव करते हैं यानी कि अगर कार पर्सन एक ही वेलोसिटी जैसे ये बस है अगर ये बस 100 किलोमीटर पर आवर से भाग रही है तो बस के अंदर जितने भी पैसेंजर्स बैठे हुए हैं वो सारे के सारे आपके सेम वेलोसिटी से मूव करते हैं यानी कि ये बात बिल्कुल आपको क्लियर रखनी है अगर कोई बॉडी ट्रांसलेशन मोशन करती है तो ट्रांसलेशन मोशन के केस में, अगर कोई बॉडी ट्रांसलेशन मोशन करती है लिख देता हूं देन ऑल पॉइंट्स मतलब पॉइंट कहीं पे भी ले लो बॉडी पे देन ऑल हैविंग दी सेम लीनियर वेलोसिटी ये बात बिल्कुल आंखें खोल के देख लें आप सेम लीनियर वॉलोसिटी सेम लीनियर वेलोसिटी और लीनियर वॉलोसिटी को कैपिटल वी से लिखते हैं यानी पॉइंट की वेलोसिटी बराबर होगी पॉइंट बी की वॉलोसिटी के बराबर होगी पॉइंट सी की वॉलोसिटी के एंड डॉट 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 एंड दिस बिकम इज इक्वल टू वी यानी कि अगर कोई बॉडी लीनियर ट्रांसलेशन मोशन करती है देन ऑल पॉइंट हैविंग द सेम लीनियर वॉलोसिटी सारे पॉइंट की सेम लीनियर वॉलोसिटी होती है सो डेट केस में अगर मैं कानिटिक एनर्जी की बात करता हूं तो कानीटिक एनर्जी बिकम इज इक्वल टू अब देखो अगर मैं पॉइंट ए की एनर्जी लिखना चाहूं तो पॉइंट ए की पॉइंट ए का मास प्लस ऑफ वी ए का स्क्वायर ऐसे कितने परसेंट है उन सब की क्योंकि हाफ एम बी हाफ एम वी एनवीबी का स्क्वायर एन प्लस डॉट 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 जब इन सारी एनर्जी को सोल्व करता हूं तो वी एर सबके सब कॉमन सब थे

Is is equal to half mv के आप मुझे फटाफट यहाँ लिख के दिखा सकते हैं अगर कोई बॉडी लीनियर ट्रांसलेशन मोशन करा करेगी तो लीनियर ट्रांसलेशन के मोशन के एम क्या है एम टोटल मास है एम क्या है एम टोटल मास होता है एम क्या होता है टोटल मास और तुम्हें पता टोटल मास कहां लगता है टोटल मास जैसे यह कोई बॉडी है इस बॉडी का टोटल मास कहां लगेगा एक पॉइंट हमेशा याद रखना टोटल मास हमेशा सेंटर ऑफ मास पे एक्टिंग होता है तो कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा जहां पे बॉडी का टोटल मास एक्टिंग होता है इस पॉइंट को कहते हैं सेंटर ऑफ मास अगर मैं सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को वी सी एम से लिख दूं तो प्लीज यहां तो सारे पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी सेम है क्योंकि बॉडी लीनियर ट्रांसलेशन मोशन कर रही है तो प्लीज मैं इस काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मुले को ड्यू टू प्योर ट्रांसलेशन ये भी कर सकता हूं हाफ एम एम का मतलब टोटल वेलोसिटी है मैं भी लिख सकता होने की वजह से, जी, को क्या कहते हैं सीजी को यहां पर सी जी नहीं कहते इसको अरविंद साहब इसको कहते हैं सेंटर ऑफ मास बिल्कुल आपकी बात सही है ये सी जी किस चीज का है ये सी जी मास का है ये सी जी मास का है और मास के सी जी को

जब आप जर्नल फिजिक्स पढ़ोगे एस एस जेई के लिए तो सर आपको काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट फॉर्मूला लिख के दिखा देंगे एम स्क्वायर फिर सर से पूछना सर ये वेलोसिटी किस पॉइंट की है तो आप कहना वी सेंटर ऑफ मास की है और तो सर किसका है कहना टोटल मास होता है बॉडी का कह देना टोटल मास होता है बॉडी का तो दिस वन इज बिकम इज इक्वल टू दि काइनेटिक एनर्जी एंड ड्यू टू प्योर ट्रांसलेशन क्या आपको ये पॉइंट समझ में आया अगर ये पॉइंट समझ में आया तो प्लीज फटाफट कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दो ट्रांसलेशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी लिखना समझ गया अगर ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी आपको क्लियर है तो प्लीज फटाफट कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ आपको जो मैं आपको हूं, समझ में आया या नहीं आया पॉइंट तो क्लियर है प्लीज फटाफट जल्दी से बोलो मैं आपका वेट कर रहा हूं क्या ट्रांसलेशन की वजह से लिखना सीख गए तो ट्रांसलेशन होने की वजह से जो भी काइनेटिक एनर्जी बनेगी उसकी वैल्यू हुआ करेगी हाफ एम वी स्क्वायर और हाफ एम वी स्क्वायर में यह बात याद रखना हाफ एम वी स्क्वायर में जो एम हुआ करेगा वो बॉडी का टोटल मास हुआ करेगा और जो वी हुआ करेगा वो वी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हुआ करेगी और प्योर के केस में आपने एक चीज और सीखी सारे पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी सेम होती है सारे पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी सेम होती है विकास कुमार ओके जी आपका भी नाम लेंगे टेंशन ना लें आप हाँ जी तो प्लीज जगदीप सिंह बेटा क्या समझ में नहीं आया प्लीज बोलो आपको इसमें क्या समझ में नहीं आया ड्यू टू प्योर ट्रांसलेशन जो काइनेटिक एनर्जी है उस काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर जहां एम टोटल मास होता है और वी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होती है यह समझाया फिर आपको समझाया कि ट्रांसलेशन के केस में सारे पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी सेम होती है जैसे कि आप बस का एग्जाम्पल ले लो एक पैसेंजर सीट पर सबसे आगे बैठा हो एक पैसेंजर सबसे पीछे बैठा हो एक पैसेंजर सबसे ऊपर बैठा हो तो सारे के सारे पैसेंजर सेम से भागते हैं अगर बस 100 किलोमीटर पर आवर से चल रही है तो सारे पैसेंजर्स भी आपको 100 किलोमीटर पर आवर से जाते हुए ही नजर आएंगे चाहे वो कोई भी कहीं पे भी बैठा हो यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि लीनियर मोशन के केस में ओके लीनियर मोशन के केस में आपको क्या कहते हैं लीनियर मोशन के केस में सारे पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी सेम होती है मैंने यह समझाया अब अगला पॉइंट क्या है यह बहुत जबरदस्त कमाल की चीज है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी यह थोड़ा सा कुछ पॉइंट हटके है अगर बच्चे को अगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर कहीं होती है तो काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशन लिखने में जरूर होती है लेकिन अगर आपको रोटेशन होने की वजह से अगर काइनेटिक एनर्जी अगर लिखनी है तो प्लीज सबसे पहले आपको कुछ पॉइंट्स याद करने तो वजह से जो आप लिखते हैं, तो यहां पे आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा कि भाई रोटेशन होने की वजह से जो मैं काइनेटिक एनर्जी लिखना चाह रहा हूं उसकी वैल्यू क्या होती है तो पहले तो मैं फॉर्मूला लिख के दिखा देता हूं मैं आपको फिर बता देता हूं देखो आपको पता होगा रोटेशन होने की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला हाफ आई ओ मेगा स्क्वायर होता है यह फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशन हाफ आई ओ मेगा स्क्वायर होती है जहां पे आई की वैल्यू क्या होती है आई किसको कहते हैं आई का मतलब होता है मास मोमेंट ऑफ इनर्सिया आई को क्या कहते हैं मास मोमेंट ऑफ इनर्सिया इसको कहते हैं मास मोमेंट ऑफ इनर्सिया लेकिन ये मास मोमेंट ऑफ इनर्सिया आपको किस एक्सेस के अबाउट लिखना है प्लीज ये बहुत बड़ा पॉइंट है इसको जरा समझ लें अगर ये मास मोमेंट ऑफ इनर्सिया है तो तुमको अब ये समझना पड़ेगा कि मास मोमेंट ऑफ इनर्सिया में किस एक्सिस के अबाउट लिखूंगा तो प्लीज टेक अबाउट एन एक्सेस टेक अबाउट एन एक्सेस अबाउट एन एक्सेस आप ये मास मूवेंट ऑफ इनर्सिया एक एक्सेस के अबाउट लेंगे अब दॉडी इज रोटेटिंग अबाउट विच द बॉडी जब भी आपको मास मूवमेंट ऑफ इनर्सिया लिखना है तो मास मूवमेंट ऑफ इनर्सिया आई आपको हमेशा उस एक्सेस के अबाउट लिखना है जिस एक्सेस के अबाउट आपकी बॉडी क्या करती है रोटेट करती है टेक अबाउट एन एक्सेस अबाउट विच द बॉडीशन अबाउट विच द बॉडी बॉडी इज रोटेटिंग यानीटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखते हैं लेकिन ये काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशन है तो प्लीज इस काइनेटिक एनर्जी को आप रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी कह देते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को आप क्या कहते हैं दिस बिकम इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर अब सोचने वाली बात यह है यहां पे कि आपको आई क्या है आई को बोलेंगे मास मोमेंट ऑफ एनर्जिया लेकिन यह मास मोमेंट ऑफ एनर्जिया आप उस एक्सिस के अबाउट लेते हैं जिस एक्सिस के अबाउट आपकी बॉडी रोटेट कर सकती है लेकिन वो पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक्स आइडिया क्लियर होनी चाहिए मैं आपको कई बार मैकेनिक्स में भी पढ़ा चुका हूं जब मैंने आपको कई बार केसेस पढ़ाए थे मैंने आपको पहले भी समझाया था लेकिन मैं आज आपको फिर समझाता हूं एक बात बिल्कुल हमेशा याद रखना अगर कोई बॉडी प्लेन में लाई करती है जैसे ये हॉरिजॉन्टल प्लेन तो एक बात क्लियर होनी चाहिए हमेशा उस एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है जो प्लेन के परपेंडिकुलर होती है जैसे कि आप एक काम करो अपने सर के ऊपर देखो तुम्हारे घर में छत का फैन होगा

लेकिन वो जो रोड जा रही है वो फैन के परपेंडिकुलर ऊपर की ओर जा रही है और फैन ऐसे घूमना शुरू कर देता है फैन इसके नीचे लगा वो ऐसे घूम रहा है ऐसे घूम रहा है ये रोड है यानी कि ये रोड है इसके नीचे फैन लगा है और ये बॉडी आपकी ऐसे घूम रही है यानी कि मैं घूमने के लिए एक बड़े अच्छा सा पॉइंट बोलना चाहता हूं कि कोई भी बॉडी हमेशा उस एक्सेस के बाद रोटेट कर सकती है जो बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर होती है जो बॉडी के प्लेन के परपांडिकुलर ये बात बिल्कुल आपको हंड्रेड क्लियर रखनी है जैसा फॉर एग्जाम्पल ये आपके घर का फैन है जैसे मैं एक सीलिंग फैन आपको बना के दिखा रहा हूं जैसे अब बताओ अब भैया देखो जैसा पैसा पे करोगे वैसे आप फैन पाओगे क्या होता है अगर सपोज करो मेरे पास पैसा कम है तो हमारे घर में जो फैन नजर आते हैं उनमें तीन पंखुड़ियां नजर आती हैं लेकिन अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो पंखुड़ियां बहुत सारी नजर आ सकती हैं पंखुड़ियां आठ आठ फैन वाले भी जैसे एक पंखुड़िया यहां लगी है अरे एक इसका विंग्स ये लगा है एक विंग्स ये लगा है एक विंग्स इसका ये लगा हुआ है एक विंग्स इसका ये लगा हुआ है और एक विंग्स इसका ये लगा हुआ है कितनी बना दी मैंने थ्री और थ्री सिक्स एक और बना दो एंड सेवन और एक और बना दो आठ मतलब आप अमीर पर्सन हो आपके घर में जो पंखा लगा है उस पंखे की आपके पास कितनी पंखुड़ियां हैं आठ पंखुड़ियां हैं आठ आठ फैन है आपके तो वो फैन आपका जो उसकी पंखुड़ियां वो ऐसे घूम रही हैं लेकिन अगर ये घूमेगी तो ये आपके पास ये रोड नजर आ रही है देखो ये रोड नजर आ रही है जो मैंने डॉट डॉट से बनाई है ये ये एक रोड नजर आ रही है जो प्लेन के परपेंडिकुलर है ये ये रोड आपके पास नजर आ रही है ये ये प्लेन के बाहर ऐसे निकली है ये रोड आपको नजर आ रही है ओके okay गाइस तो ये बॉडी आपके प्लेन के बाहर निकली हुई है अगर यह रोटेट करेगी तो ये इस एक्सेस के अबाउट क्या करेगा रोटेट करने वाला है एंड विद सम एंगुलर स्पीड ऑफ ओमेगा आप जाके चेक कर लो फैन जो आपका रोटेट कर रहा है वो किसी एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रहा है अच्छा एक चीज और अगर ये वाली पंखुड़ी पे अगर मैं पॉइंट ए कह दूं और एक पॉइंट की पंखुड़िया वाला पॉइंट ये बी कह दूं अगर ये पंखुड़ी अगर आपका तीस डिग्री एंगल घूमी है तो याद रखना बी वाली पंखुड़ी भी तीस डिग्री का एंगल ही घूमेगी अच्छा तुमने कभी ऐसा देखा है जो पंखुड़ियां आपके घर में फैन में लगी होती हैं उनके बीच के बीच में जो एंगल होता है जो एंगल उनके बीच में बना होता है कभी वो चेंज होता है नहीं होता ना एंगल उन पंखुड़ियों के बीच में कभी एंगल चेंज होता क्योंकि पंखड़िया तो बिल्कुल फिक्स लगी होती हैं अगर फैन पूरा का पूरा घूम रहा है अगर एक पंखड़ी अगर आपकी तीस डिग्री एंगल घूमी है तो दूसरी पंखड़ी भी आपकी तीस डिग्री का एंगल ही घूमेगी तो बात आप लोग जानते हैं यानी कि आप ये कहने वाले हैं एक बड़ा जबरदस्त पॉइंट लिख रहा हूं कि इन केस ऑफ रोटेशन यानी कि आप यहां पे एक चीज पर लिख सकते हैं कि इन केस ऑफ रोटेशन में यहां लिख रहा हूं इन केस ऑफ रोटेशन इन केस ऑफ रोटेशन प्लीज जरा समझिएगा इन केस ऑफ रोटेशन ऑल पॉइंट्स यह बड़ा जबरदस्त कमाल की बात लिख रहा हूं मैं प्लीज आंखें खोल के देख लेना ऑल पॉइंट दर वींग सेम एंगर वोटी पहले क्या था पहले वाले एंगुलर वॉलोसिटी सारे की सेम है। लेकिन इससे पहले वाले केस में, लीनियर ट्रांसलेशन में क्या था सारे के सारे पॉइंट की सारी लीनियर ट्रांसलेशन वॉलोसिटी सेम थी मतलब आप ये कहने वाले हैं कि सपोज करिएगा इन दोनों को अगर मैं एक पेज पर पे बनाकर दिखा दू तो दोनों की कंपेरिजन में यहां करके दिखा सकता हूं जैसे ये फैन है अब आप इसको ये बना लो जैसे ये रोटेट कर रहा था ये कोई रोटर है ये आपका रोटेट कर रहा है ओके okay गाइस ये रोटर आपका रोटेट कर रहा है समथिंग मैंने इस टाइप से एक रोटर बनाया और मैंने आपसे कहा कि ये इसका एक सेंटर पॉइंट है और ये इसके बाद रोटेट कर रहा है और यहाँ पे ये कार है ये कोई कार थी ये लीनियर मोशन कर रही है ये कार कैसा मोशन कर रही है लीनियर मोशन ओके गाइस तो प्लीज हियर मैं आपको यहाँ पे कंपेरिजन करके दिखा देता हूं अगर एक पॉइंट आपके पास पॉइंट वन एक पॉइंट ये पॉइंट टू एक पॉइंट ये है थ्री तो प्लीज एक बात याद रखना पॉइंट वन की पॉइंट टू की और पॉइंट थ्री की इन सारे के सारे पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी सबकी सेम है ओके अगर अगर मैं मैं अब यहां यहां तीन तीन पॉइंट पॉइंट कर कर लेता हूं एक पॉइंट में यहां ले लू डिशन वन और एक सेंटर पे ले लेता हूं पॉइंट ऑफ टू और एक पॉइंट ये ले लेता हूं पॉइंट ऑफ थ्री तो प्लीज अगर ये बॉडी रोटेट करती है तो याद रखना ओमेगा वन इक्वल टू ओमेगा टू और इज इक्वल टू ओमेगा थ्री यानी रोटेशन के केस में सारे पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है लेकिन लेकिन एक बड़े कमाल की चीज मैं आपको यहां लिख के दिखाऊंगा बट ऑल पॉइंट रोटेशन के केस की बात कर रहा हूं रोटेशन के केस में बट ऑल पॉइंट ये बड़ा कमाल की चीज है इसको नोट में आपको लिख ले चाहे ये बहुत कमाल की चीज है बट ऑल पॉइंट ये बात आपको बिल्कुल याद रखनी है ऑल पॉइंट्स हैविंग डिफरेंट लीनियर वॉलोसिटी डिफरेंट लीनियर डिफरेंट लीनियर वॉलोसिटी लीनियर वॉलोसिटी यानी कि रोटेशन के केस में सारे पॉइंट की रोटेशन के केस में सारे पॉइंट की क्या होता है कॉन्सेंट uh, होता है सर हां जी बिल्कुल बिल्कुल पंकज साहब ने बिल्कुल सही बोला पंकज साहब ने भी सही बोले हैं तो प्लीज रोटेशन के केस में सारे पॉइंट की ओमेगा सेम होती है बट लीनियर वॉलोसिटी डिफरेंट होती है अच्छा एक बात और याद रखना कंफ्यूजन है एनर्जी तो याद रखना ये बॉडी पॉइंट टू के अबाउट घूम रही है तो जिस पॉइंट के अबाउट आप घूमते हैं इंस्टेंटेनियस सेंटर भी कहते हैं तो पॉइंट वन की वेलॉसिटी जब टू के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करूंगा तो वन से टू को मिलाऊंगा लो जी मिला दिया और वेलोसिटी हमेशा याद रखना लीनियर वेलोसिटी हमेशा लाइन के परपेंडिकुलर होती है ओके okay. अच्छा बफर होने लगा मिनट प्लीज मिनट प्लीज प्लीज वन मिनट ओके गाइस थैंक यू सो मच थोड़ा सा बफर हो गया था बीच में तो जब भी आपको लीनियर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है जैसे मैं पॉइंट वन की लीनियर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है पॉइंट टू के रेस्पेक्ट में तो वन से टू को मिलाओ प्लीज प्लीज ये बड़ा कंफ्यूजन है बच्चे को वन से टू को मिलाओ और वन से जब आप टू को मिलाएंगे तो पॉइंट वन की वेलोसिटी बनेगी कितनी बनेगी

जिस पॉइंट की लीनियर जीरो है याद रखना वो बॉडी उसी पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेशन में होगी वो बॉडी उसी पॉइंट में होगी अगेन 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 रिपीट रिपीट करता करता हूं करता हूं मेरी मेरी बात बात फिर सुने मेरी बात सुने मैं अगेन रिपीट कर देता हूं आई थिंक बहुत सारे बच्चे इसको समझ नहीं पा रहे होंगे कोई दिक्कत नहीं मैं अगेन रिपीट करता हूं मेरी बात आप दोबारा सुने मैं अगेन रिपीट करता हूं प्लीज बिल्कुल सही से सुने देखो मेरी बात सुनो ये ना एक बॉडी है सुनो मैं एकता हूं यह बॉडी है ओके गाइज

फिर एक पॉइंट मैंने आपके लिए ये कंसीडर करा सपोज करो ये पॉइंट आपके पास थ्री है और प्लीज वन okay? की, की टू तो से डिस्टेंस लिखेंगे तो वन से टू की डिस्टेंस बनी आर वन टू यानी कि एक बात आपको याद रखनी है की आप के में लिखना चाहते हैं तो वन से टू के बीच का गैप कितना है सपोज करो ये डिस्टेंस आपकी बन गई आर वन टू

और ऐसी यहां वेलोसिटी तो आपको हमेशा R12 के कर देनी है या R32 के कर देनी है। ओके तो हमेशा जो लाइन ज्वाइनिंग क्या है ये लाइन ज्वाइनिंग क्या है इसको कहते हैं लाइन ऑफ ज्वाइनिंग इसको क्या कहते हैं लाइन ऑफ ज्वाइनिंग आर वन टू को कहते हैं लाइन ऑफ ज्वाइनिंग

अगर आपको पॉइंट टू की वेलोसिटी लिखनी है तो पॉइंट टू की वेलोसिटी अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो डिस्टेंस से लेंगे तो distance तो डिस्टेंस जीरो है इन टू ओमेगा तो प्लीज देख लो पॉइंट टू की ओमेगा जीरो नहीं है पॉइंट टू की लीनियर वेलोसिटी जीरो है क्योंकि यह कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूं अगर कोई बॉडी प्योर रोटेशन करती है तो पॉइंट चाहे कहीं पे भी कंसीडर कर लो सारे के सारे पॉइंट बिल्कुल सेम एंगुलर स्पीड से घूमते हैं ओमेगा वन भी ओमेगा टू भी ओमेगा थ्री भी सारे के सारे पॉइंट की वेलोसिटी कैसी है सेम है अब तुमसे एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाए For example, जैसे मैं एक काम मुझे इस की करके दिखाओ ये पॉइंट आपका फोर है तो आप क्या करेंगे क्वेश्चन में देखें आप क्या करेंगे वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं आप टू को फोर से मिला देंगे जी मिला दिया ठीक है तो पॉइंट फोर की वेलोसिटी टू के रेस्पेक्ट में लिखनी है तो लिखो यहां की वेलॉसिटी टू के रेस्पेक्ट में तो क्या बनेगा पॉइंट फोर की टू से डिस्टेंसिटी क्या, क्या होगी इस वाली के के ये एंगल नाइनटी डिग्री है और बॉडी घूम ऐसा रही है तो ये वेलोसिटी नीचे की ओर जाएगी ओके okay, गाइस तो ये बन गया वी फोर टू यानी जब भी आपको किसी पॉइंट की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो आपको वेलोसिटी हमेशा ऐसे ही लिखनी है यानी कि रोटेशन के केस में सारे पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है बट सारे पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी सबकी डिफरेंट होती है क्या आपको जगमोहन यादव क्या जगमोहन यादव जी आपको क्लियर हुआ मानवी कंप्यूटर पॉइंट पंकज साहब स्वरूप साहब क्या अरविंद साहब एंड जितने भी बच्चे आप यहां बैठे हैं क्या आपको सारी की सारी बातें मेरी समझ में आ गई प्लीज स्टूडेंट्स टेल मी यू हैव गोटेड माई पॉइंट आपको मेरा पॉइंट समझ में आया रोटेशन के केस में आपको वेलोसिटी कैसे लिखनी है और प्लीज अगेन फिर सुने प्लीज अगेन फिर सुने लीनियर मोशन के केस में लीनियर के केस में सारे पॉइंट के लिए लीनियर वेलोसिटी सेम होती है पर रोटेशन के केस में सारे पॉइंट के लिए ओमेगा सेम होती है बट लीनियर ऑफ द ईच वन पॉइंट कैसी होती है डिफरेंट होती है कैसी होती है डिफरेंट होती है क्या गाइज आपको यह वाली बात समझ में आ गई है अब मुझे क्या करना है मुझे यहां पे आपको काइनेटिक एनर्जी लिख के दिखानी है तो प्लीज हियर आर फोल्ट इन टू ओमेगा बिल्कुल सही लिखा आपने बिल्कुल सही है अब मुझे कानिक एनर्जी लिखनी है देन एनर्जी इज इक्वल टू आई ओमेगा स्क्वायर तो लेकिन आपको एक बात समझनी पड़ेगी सबसे पहला बात आपको यहां देखना पड़ेगा यार देखो कनेटिक एनर्जी अगर आपको लिखनी है तो कानिक एनर्जी लिखने से पहले आपको क्या क्या पता होना चाहिए बहुत सारी बॉडी का आपको मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी पता होना चाहिए जैसे मैं देखता हूं आपके सिलेबस में मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है मैक्सिमम केसेस की मैं बात कर रहा हूं आपको यहां पे मुझे मास मोमेंट ऑफ इनर्सिया के कुछ बॉडी हैं उन आप, उन बॉडी का मैं आपको मास मोमेंट ऑफ का कुछ फॉर्मूले में आपको याद करके दिखा देता हूं कि कुछ फॉर्मूले हैं कुछ बॉडी ऐसी होती हैं जिनका तुम्हें मास मोमेंट ऑफ इनर्सिया लिखना होता है तो कुछ बॉडी के मास मोमेंट ऑफ इनर्सिया के तुम्हें फॉर्मूले याद कर लेने हैं और मास मोमेंट ऑफ इनर्सिया कौन कौन सी बॉडी का देखो जैसे मैंने एक बीच में आपको बॉडी बना के दिखाई है इसको मैंने कहा सर्कुलर डिस्क

मेरी बात सुनो जी प्लीज ये शॉर्ट ट्रिक लिख लेना और भूलना मत मैंने आपको जब मैकेनिक्स पढ़ाई थी तब भी समझाया होगा मैंने मैकेनिक्स पढ़ाई थी मैंने आपको तब भी समझाया होगा बिट अगेन फिर समझा दे रहा हूं क्योंकि तो बहुत सारे बच्चों ने मैकेनिक्स नहीं पढ़ी होगी जैसे ये बॉडी है ओके सुनते चलना प्लीज ये कोई बॉडी है और ये भी कोई बॉडी है सुनते चलना प्लीज कंफ्यूज बिल्कुल भी मत हो जाना और ये भी एक तीसरी बॉडी है चार बॉडी बना के दिखाता हूं और एक चौथी बॉडी आपके पास ये है चलो ऐसा सोच लो इन चारों की चारों बॉडी का मास एम है और चारों बॉडी की रेडियस भी आर है चारों बॉडी की रेडियस आर और मास एम चारों बॉडी की रेडियस आर और सबका मास एम चारों बॉडी की रेडियस आर और मास सपोज करो ये बॉडी ये जो बॉडी है ये बॉडी अपने किसी एक पॉइंट के बाद रोटेट कर रही है सपोज करो ये सेंटर पॉइंट के बाद रोटेट कर रही है ये ये समथिंग ये इस पॉइंट के बाद रोटेट कर रही है समथिंग और ये जो बॉडी आपने दोनों बना के दिखाई है ये चारों की चारों बॉडी जो आपने मुझे बना के दिखाई है सपोज करो इन सारी बॉडी का जो प्लेन है वो एक्स वाई है कौन सा प्लेन है एक्स वाई प्लेन है सपोज करो ये एक्स वाई प्लेन है सारी बॉडी का जो प्लेन है वो एक्स वाई प्लेन है सारी बॉडी का जो प्लेन है वो प्लेन 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 है दिस इस वाई प्लेन और दिस वन वन इज इज और अगेन ये जितनी भी बॉडी आपने मुझे बना के दिखाई सारी बॉडी का प्लेन एक्स वाई प्लेन है तो बताओ अगर बॉडी का प्लेन एक्स वाई है तो ऐसी कौन सी एक्सेस है जिसके अबाउट ये बॉडी रोटेट करेगी वो एक्सेस आपकी पोलर एक्सेस है वो कौन सी एक्सेस है पोलर एक्सेस और पोलर एक्सेस यहाँ पे जेड होगी

और इस बॉडी का भी आई जेड जेड लिख दो इस बॉडी का भी आई जेड लिख दो आई बिकम इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर मैंने लिखा तो तुमको ऐसा लग रहा है यार ये चारों बॉडी तो सेम हो गई लेकिन ऐसा नहीं है यहां कुछ शॉर्ट ट्रिक है वो मैं शॉर्ट ट्रिक अभी आपको समझा रहा हूं प्लीज थोड़ा सा रुके वो शॉर्ट ट्रिक मैं आपको लिख के दिखाने वाला हूं एक काम करो इस पहली वाली बॉडी को तुम रिंग कह दो पहली वाली बॉडी को रिंग कह दो और दूसरी वाली बॉडी को डिस्क कह दो और तीसरी वाली बॉडी को स्पेरिकल कह दो और चौथी वाली बॉडी को भी आप स्पेरिकल कह दो यहां चार बॉडी बनाई और पहले वाली बॉडी आपकी रिंग है और दूसरी वाली बॉडी आपकी डिस्क है और तीसरी बॉडी आपकी स्पेरिकल है और चौथी बॉडी भी स्पेरिकल है आपको फिर कंफ्यूजन हो गया स्पेरिकल तुमने दो बार लिख दिया कोई दिक्कत नहीं रिंग आपका टू में होता है और डिस्क भी आपका टू में होता है और स्पेरिकल बॉडी थ्री में एक्सप्लेन करते हैं

तो यहां पे वन से शुरू करा तो यहां पे टू से शुरू करो टू के बाद आएगा थ्री तो टू बाई थ्री और यहां क्या आएगा यहां क्या आएगा यहां अब थ्री बाई फोर मतलब यह बनेगा अपॉन में फाइव याद रखना लेकिन सर एक बात बताओ एम आर स्क और एम आई एम आर स्कू में इन दोनों में आई किसका ज्यादा है इन दोनों में आई जो है वो रिंग का ज्यादा है लेकिन डिस्क बॉडी सॉलिड होती है डिस्क आपकी सॉलिड होती है और रिंग आपके पास होलो होती है यानी कि आप यह कहने वाले हैं हमेशा याद रखना मोमेंट ऑफ इनर्सिया हमेशा होलो बॉडी का ज्यादा होता है इन कंपेयर ऑफ सॉलिड बॉडी होलो बॉडी का आई हमेशा ज्यादा होता है जैसा आप ऊपर देखो रिंग का आई ज्यादा है इन कंपेयर ऑफ सॉलिड बॉडी सो डेट में नीचे भी जब स्पेरिकल आपके पास दो है तो यहां से कंपेयर करके देखो टू बाई थ्री और टू बाई फाइव में कौन ज्यादा है टू बाई थ्री ज्यादा है अगर टू बाई थ्री ज्यादा है तो ये ऊपर वाला स्पेरिकल तुम्हारे पास कैसा होगा होलो होगा और नीचे वाला स्पेरिकल आपके पास कैसा होगा सोलिड होगा यानी कि स्पैरिकल भी दो हो गए एक टेक आपका हो गया और एक स्पैरिकल आपका एक स्पेरिकल आपका ये सब्जेक्ट आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है एक स्पेरिकल आपका सोलिड हो गया और एक स्पेरिकल आपका होलो हो गया ओके गाइस तो होलो स्पेरिकल एंड सोलिड स्पेरिकल स्पेरिकल भी दो टाइप के हैं यहां पे एंड आर टू टाइप ऑफ दिस स्पारिकल एक होलो बॉडी एन एक सोलिड बॉडी तो गाइज आई थिंक यू हैव गोटेड माई पॉइंट आपको मेरा पॉइंट बिल्कुल समझ में आ गया होगा तो मुझे नहीं लगता आपको यहां पे कोई दिक्कत आएगी तो ये कुछ बॉडी हैं इनका मास मोमेंट ऑफ इनर्सिया आपको याद कर लेना है जैसे मैंने आपको अपने पेज पे यहां बना के दिखाया है कि कुछ बॉडी हैं जैसे आपने डिस्क बनाई तो मैंने भी आपको प्रूफ करके दिखाया डिस्क बॉडी का आई जो होता है जो एक्सेस प्लेन के परपेंडिकुलर जाती है वो एमआर स्क्र बाई टू होता है आपने लिख के दिखाया और रिंग का एमआर स्क होता है लेकिन रोड के बारे में आपको याद रखना पड़ेगा अगर ये रोड अपने सेंटर पॉइंट के अगर ऐसे घूमती है तो रोड का जो आई होता है वो ML square by 12 होता है अगर रोड की लेंथ अगर L है तो रोड का जो एल है आई जो होगा वो एमएल स्क होगा ये बात बिल्कुल आपको याद रखनी है लेकिन ये सारे के सारे आई मैंने आपको सेंटर पॉइंट के बाउट दिखाए और पहली बॉडी मेरे पास यहां नजर आ रही है स्पेरिकल भी दो बॉडी हो सकती है या तो टू बाई थ्री वाला या टू बाई फाइव वाला तो या तो स्पेरिकल आपकी टू बाई थ्री एम आर स्क्यार हो सकता है या स्पेरिकल में टू बा सोलिड हो सकती है और एक आपके पास होलो बॉडी हो सकती है तो ये आपको क्या है ये आपको मैंने मास मोमेंट ऑफ इनर्सिया लिखना सिखाया नाउ हियर आई विल मूव ऑन द वन एनर्जी कॉन्सेप्ट अब मुझे एनर्जी पे चलना है अब मुझे आपको यहां पे एनर्जी प्रूफ करके दिखानी है कि रोटेशनल की फॉर्म में आप एनर्जी कैसे लिखते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कोई सर्कुलर डिस्क है ये कोई एक सर्कुलर डिस्क है और इस सर्कुलर डिस्क की तुम्हें क्या करना है इस सर्कुलर डिस्क की तुम्हें रोटेशन की वजह से कार्नेटिक एनर्जी लिखनी है ओके okay, ये बॉडी के का रोटेट कर रही थी ओके okay, अगर ये बॉडी इस फोन के बाद रोटेट करती है विथ एंगुलर स्पीड ऑफ ओमेगा तो तुम्हें पता ना कॉनेटिक एनर्जी कितनी बनेगी यस काटिक एनर्जी बिकम इज इक्वल टू द हाफ आई ओमेगा स्क्वायर

ये आपके पास एक सर्कुलर डिस्क है सपोज करो ये सर्कुलर डिस्क अभी आपकी केवल और केवल प्योर ट्रांसलेशन कर रही थी तो पॉइंट कहीं पे भी करो की वाला सेम जैसे इस पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी और इस पॉइंट की लीनियर वालासिटी सबकी सेम होगी और इस केस में इस बॉडी की जो कार्नेटिक एनर्जी होती है वो होती है हाफ एम टोटल एंड वी ऑफ सेंटर ऑफ मास की वालोसिटी ये होती है अगर ये बॉडी अब आपकी एक बॉडी और होती ये अभी भी एक सर्कुलर डिस्क है लेकिन ये बॉडी अब आपकी रोटेट भी कर रही है केबल और केबल रोटेट कर रही है तो ये प्योर रोटेशन है तो प्लीज प्योर रोटेशन के, के केस में इस बॉडी की जो एनर्जी होती है वो होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लेकिन अब आपने क्या किया ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों को एक साथ ऐड कर दिया तो ये इसको कहते हैं रोटेशन इसको क्या कहते हैं रोटेशन और अगले पॉइंट को क्या कहते हैं रोलिंग तो रोलिंग में और रोटेशन में बहुत बड़ा डिफरेंस है रोलिंग और रोटेशन में जैसा आपका गाड़ी का पहिया जैसा आप अपनी किसी बाइक के व्हील को ले लो तो बाइक का बिल क्या करता है क्या वो हमेशा रोटेट रोटेट करता है नहीं वो रोटेशन के साथ साथ लीनियर मोशन भी करता है अगर ये बॉडी गाड़ी का पहिया है जैसे ग्राउंड सरफेस पर रोल भी करेगा और रोल करने के साथ साथ किसी एक लीनियर वेलोसिटी से आगे भी जाएगा तो इस केस में जब आप काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो प्लीज अब आपके पास दो फॉर्म ऑफ एनर्जी बनेंगी एक बनेगी हाफ का स्क्वायर बॉडी की एनर्जी किसकी वजह से बनी एंड लीनियर ट्रांसलेशन एंड प्लस एनर्जी ऑफ मास पॉइंट के अबाउट तो, तो अगर कोई बॉडी अगर दोनों कंबाइंड मोशन को पुट करती है तो उसके पास दोनों टाइप की एनर्जी लिखनी पड़ेगी और दोनों टाइप की एनर्जी आपके पास कौन कौन सी बनी द लीनियर प्लस ऑफ ट्रांसलेशन जैसे मैंने आपको बना के दिखाया पहला वाला केस मेरा यहां देख लें पहला वाला केस मेरा वो केस है कि के जहां पे बॉडी केवल और केवल आपके पास एक लीनियर ट्रांसलेशन मोशन कर रही है तो लीनियर ट्रांसलेशन मोशन के केस में आप देखें मैंने आपको पहले भी समझाया था कि लीनियर ट्रांसलेशन के केस में आप पॉइंट कहीं पे भी कंसीडर कर लें जैसे एक पॉइंट ये है 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 तो लीनियर ट्रांसलेशन के केस में सारे पॉइंट की वेलोसिटी सेम होती है और वो भी लीनियर और सबका एक ही फॉर्मूला आंसर होता है हाफ एम सी एम का होल स्क्वायर अगर ये बॉडी रोटेट करती है तो प्लीज आपको पता ना इस पॉइंट के बाद रोटेट कर रही है अगर ये बॉडी के बाद रोटेट करती है तो सारे पॉइंट की वेलोसिटी आपको ऐसा बना के चली आएगी तो ये वेलोसिटी की वैल्यू बन गई और इस केस में जो एनर्जी बनेगी वो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर बनेगी अगर दोनों को एक साथ जोड़ दिया तो दोनों की दोनों की फॉर्म ऑफ एनर्जी लिखूंगा तो प्लीज प्लीज वन मिनट ये एक बड़ा जबरदस्त कमाल है इसमें मुझे नहीं लगता आपको कोई भी डाउट आना चाहिए अच्छा एक काम और करूं एक फिजिक्स का पूछ आपसे क्योंकि आप जो बच्चे यहां पर बैठे हैं आप तो इंटेलिजेंट है एक फिजिक्स का और पूछ लेता हूं मैं आपसे प्लीज मिनट मिनट मेरी बात सुनेंगे मैं फिजिक्स का पूछ लेता हूं आपसे ये एक बॉडी है सुनते चलना प्लीज ये एक बॉडी है ओके okay. एक फिजिक्स का कॉन्सेप्ट पूछता हूं प्लीज वन मिनट एक बॉडी दूसरी तुम्हारे पास ये है फिजिक्स का कॉन्सेप्ट पूछ रहा हूं मैं आपसे प्लीज जरा सुनते चलेंगे ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और ये अगला पॉइंट है ये कंडीशन आपको याद रखनी है मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूं ये अगला पॉइंट है तीन कंडीशन है तीनों की तीनों कंडीशन में आपको यहां बता रहा हूं सपोज करो आपने क्या किया प्लीज वन मिनट वन मिनट वन मिनट आपने यहां तीन पॉइंट कंसिडर कर लिए सपोज करो ये पॉइंट वन है ये पॉइंट टू है और ये पॉइंट थ्री है मैं आपसे कह दू कि पॉइंट वन पॉइंट टू और पॉइंट थ्री पहला केस प्योर ट्रांसलेशन था

तो आपको मैंने बोली थी ना अगर किसी बॉडी बॉडी पर एक एक ऐसा पॉइंट 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 कंसीडर कर लो जिसकी वेलोसिटी 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 जीरो हो तो याद रखना ये वो है है जिसके में प्योर रोटेशन में होती है। कोई बच्चा मुझे बताएगा वन की की कितनी बन गई वन की टोटल बोलो एक हो गई, एक वी और एक वी। दोनों और

यानी यानी पॉइंट वो है है जिसकी वेलोसिटी जीरो एक बात याद रखना जब आप अपनी गाड़ी के पहिए को घुमाते हैं तो तुमसे यह पूछा जाएगा मुझे एक बताओ, ऐसा कौन सा पॉइंट है जिस की आपकी अगर की अगर आ गए, तो याद रखना आपकी गाड़ी अगर घूमेगी तो यह विदाउट स्लिपिंग होगी यह मोशन कैसे होगी विदाउट स्लिपिंग होगी यानी कि पॉइंट थ्री वो पॉइंट है जिसके अबाउट आपको बॉडी अब कहा नजर आएगी प्योर रोटेशन में नजर आएगी विदाउट स्लिपिंग विदाउटिंग कंडीशन है अगर पॉइंट थ्री की अगर जीरो बन गई, तो याद रखना यह कंडीशन है विदाउट स्लिपिंग मोशन की अब मुझे क्या करना है कुछ क्वेश्चन को देखना है जैसे मैं आपको एक डिस्क बनाकर दिखा रहा हूं सपोज करिएगा दिस वन इज ए सॉलिड डिस्क और इस सेंटर पॉइंट की वेलोसिटी टेन मीटर पर सेकेंड है और इसका मास टू के है तो इस क्वेश्चन को मुझे सोल्व करके दिखाना है मैं तुमसे बोला यार मुझे इस बॉडी की कानीटिक एनर्जी बता कि कितनी कानेटिक एनर्जी बनने वाली है टोटल तो क्वेश्चन क्या है आपको समझ में आ गया क्वेश्चन क्या था क्वेश्चन ये देख लो ये एक सोलिड डिस्क है आपके पास और इस सोलिड डिस्क का मास दे रखा तुमको इस सोलिड डिस्क का मास भी दे रखा और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी है पता आपको 10 मीटर पर सेकंड दे रखी क्वेश्चन में जाके चेक कर लो 10 मीटर पर सेकंड दे रखी और इस बॉडी का मास कितना मास इस सोलिड बॉडी का मास टू के है टू के है मास और और इस बॉडी की जो रेडियस है वो पॉइंट थ्री मीटर है रेडियस पॉइंट थ्री मीटर है क्वेश्चन में पूछा गया इस बॉडी की मुझे एनर्जी बता कितनी बनी एनर्जी जब इस बॉडी की आप आपनेटिक एनर्जी लिखोगे तो एनर्जी क्या कहोगे हाफ एम वी सी स्क्वायर और वी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का स्क्वायर हाफ एम सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का स्क्वायर एंड प्लस ऑफ प्लस ऑफ दाफ आई आर आई भी किसके अबाउट सेंटर ऑफ मास के एंड ओमेगा का स्क्वायर

किसी ना किसी एक पॉइंट की वेलोसिटी जरूर दी होगी बताओ ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसकी होता था। और इस केस में अगर ये है, तो याद रखना यहां पे पॉइंट थ्री की वेलोसिटी जीरो है तो अब अगर आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है किसी भी पॉइंट की तो आपको डिस्टेंस पॉइंट थ्री से लिखनी पड़ेगी मैं ही बता चुका हूं आपको डिस्टेंस हमेशा उस पॉइंट से लिखनी चाहिए

हंड्रेड बाई थ्री का होल स्क्वायर तो प्लीज एक काम करेंगे इन सबको सोल्व कर लेंगे सब कुछ आपको गिवन है और मास की वैल्यू रेडिया सब कुछ आपको गिवन है सबकी वैल्यू यहां पुट करेंगे और क्वेश्चन को सोल्व करके चले जाएंगे नाउ हियर वी कैन फाइंड आउट दी एनर्जी और किसकी एनर्जी एक सॉलिड बॉडी की एनर्जी एक सॉलिड डिस्क की एनर्जी मैंने टोटल फाइंड आउट कर ली एक क्वेश्चन ये है ये बड़ा कमाल की चीज है ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन की प्रॉब्लम है जैसे मैं ये क्वेश्चन अगेन फिर देख लें जैसे ये कोई प्रॉब्लम थी इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है यहां पे भी आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है मैं आपको काइनेटिक एनर्जी लिखने के लिए बोलता हूं तो क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे एक मिनट प्लीज जरा देखते चले जाएं अगेन हियर वी वांट टू राइट डाउन दी काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट वन बॉडी आपको इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करनी है जैसे एक क्वेश्चन में लिख देता हूँ एग्जामिनेशन की प्रॉब्लम है एक क्वेश्चन मैं लिखता हूँ एग्जामिनेशन की प्रॉब्लम है क्वेश्चन प्लीज जरा सुनेंगे जैसे मैं आपसे ये कह देता हूं कि ये आपके पास कोई भी एक इंक्लाइन प्लेन का फ्लोर है सुनते चलना प्लीज ये कोई एक फ्लोर है ये कोई फ्लोर है ये कोई फ्लोर है, है। एग्जामिनेशन की प्रॉब्लम है दो नंबर की क्वेश्चन था ये और बाद में ये फ्लोर होजुंटल हो गया जैसे यहां पर पा आपके पास कोई मास है एम और ये स्लाइड करके थोड़ी देर के बाद यहां आ गया और ये पोजीशन नंबर टू है और ये पोजीशन नंबर वन है ओके गाइस सुनते चलना। और ये मास ऊपर से जहां से गिर रहा है सपोज करो ये हाइट आपके पास कितनी है ये हाइट आपके पास कितनी है एच है एच यहां मौसम आपकी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है और पॉइंट टू पे आके इसकी वेलोसिटी वी हो गई क्वेश्चन में पूछा गया पॉइंट टू की वेलोसिटी बता कितनी बनी ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे सबसे पहले तो आप एक काम करें पॉइंट वन पे जाएं तो की जब टोटल एनर्जी लिखेंगे तो सबसे पहले मैंने आपको समझाया एक बॉडी के पास दो फॉर्म की एनर्जी हो सकती है सॉलिड बॉडी है लेकिन यहां काइनेटिक एनर्जी यह जीरो है क्यों एनर्जी जीरो है क्योंकि बॉडी वहां रेस्ट की पोजिशन पे है लेकिन अगर पॉइंट की पोटेंशियल मैं, मैं कोई पर्सन मेरा खड़ा है, है और मैं सारी एनर्जी के रेस्पेक्ट में लिखना चाहता हूँ तो बताओ पॉइंट वन की के साथ वर्टिकल कितनी है जी है क्योंकि देखो एम जी तो नीचे क्यों लग रहा है और आपको आना कहां है नीचे आना है तो पॉइंट वन की देखो एम जी भी नीचे की ओर और एच भी नीचे की ओर कल मैंने आपको समझाया था अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो एनर्जी पॉजिटिव हो जाती है यानी या कि तो तो केवल केवल अब बात करते हैं पॉइंट टू की टोटल एनर्जी की अगर पॉइंट टू की टोटल एनर्जी की बात की जाए तो अगेन वही सेम फंडा एक सॉलिड बॉडी के पास दो फॉर्म ऑफ एनर्जी हो सकती है

लेकिन एक कॉन्सेप्ट आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू एनर्जी कॉन्सेप्ट एनर्जी विल कंजर्व एनर्जी आपकी क्या हो जाएगी यहां पे कंजर्व हो जाएगी एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग यहां पे एनर्जी आपके पास क्या हो जाएगी कंजर्व हो जाएगी अगर यहां पे एनर्जी कंजर्व हो गई अगर यहां एनर्जी कंजर्व हो गई तो याद रखना याद रखना अगर एनर्जी कंजर्व हो गई तो प्लीज गाइड यू नो अगर एनर्जी यहां कंजर्व हो गई तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट बिकम इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट पॉइंट की टोटल एनर्जी बिकम इज इक्वल टू की टोटल एनर्जी पॉइंट वन की टोटल एनर्जी बिकम इक्वल टू पॉइंट टू की टोटल एनर्जी और पॉइंट वन की टोटल एनर्जी कितनी बन गई एम जी एच और पॉइंट टू की टोटल एनर्जी कितनी है हाफ एमवी और दोनों को सोल्व करेंगे आफ्टर डेट वन वी कैन

एनर्जी हमेशा कंजर्व होती है आपको पता है ना एनर्जी ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं और ना ही एनर्जी आप डिस्ट्रॉइड कर सकते हैं एनर्जी को एक फॉर्म से लेकर दूसरी फॉर्म में आप क्या कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं अगर एनर्जी एक फॉर्म से लेकर अगर दूसरी फॉर्म में अगर चेंज हो गई तो प्लीज याद रखना याद रखना यहां पर आप क्या कह सकते हैं जब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाएगी तो तो ये आई तो थिंक आपको बिल्कुल क्लियर होगा आप एनर्जी को एक फॉर्म से और ना ही डिस्ट्रॉइड कर सकते हैं तो, आप तो, तो गाइज आपको बिल्कुल, ये वाली बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी यानी कि ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है अब मैं क्या करूंगा अब मैं यहां पर लिख दूंगा एम की वैल्यू बराबर हो गई किसके बराबर हो गई एम जी एच की वैल्यू किसके बराबर हो गई एम जी एच की वैल्यू बराबर हो गई हाफ एम वी स्क्वायर के तो प्लीज बच्चों एक काम करेंगे मास से मास काट देंगे और वी की वैल्यू कितनी बन जाएगी रूट ऑफ टू जी एच रूट ऑफ टू जी एच तो गाइज ये चीज आपको जब भी सॉल्व करनी है तो ये चीजें आपको बिल्कुल याद रखनी है और ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आउट है ये क्वेश्चन हंड्रेड परसेंट एग्जाम में आएंगे ये क्वेश्चन हंड्रेड परसेंट आपके एग्जाम में बनेंगे तो जब भी आपको कोई क्वेश्चन में लिखना है और जब भी आपको एनर्जी के बारे में बात करनी है तो एनर्जी आप हमेशा कैसे लिखते हैं कि रूट टू जी एच बिकम इज इक्वल टू समथिंग

और मैं इस बॉडी को यहां लेके चले आऊं सपोज करो ये बॉडी आपके पास बॉडी नंबर वन है और ये बॉडी नंबर टू है एक थ्योरम लिख के दिखा रहा हूं जिसको एनर्जी थ्योरम कहते हैं पंद्रह नंबर किसकी बात कर रहा हूं पंद्रह नंबर की बात कर रहा हूं इस एनर्जी थ्योरम से पंद्रह नंबर आएंगे आपके चाहे आप एस एस सी जेई का एग्जामिनेशन देने जाए चाहे आप इसरो का एग्जामिनेशन देने जाए चाहे आप गेट का एग्जामिनेशन देने जाए आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर लो आपके पास एनर्जी से पंद्रह नंबर की क्वेश्चन जरूर आते हैं एस एस सी में इसरो में गेट में बार्क में डी आर डी ओ में सारे एग्जामिनेशन में पंद्रह नंबर की प्रॉब्लम पूछी जाती है तो मैं आज आपको यहां पर एनर्जी थ्योरम लिख के दिखा रहा हूं जैसे मैं आपसे कहूं कि मेरे पास ये कोई एक बॉडी है और ये पोजिशन नंबर वन है और मैं यहां चला ये पोजिशन नंबर टू है तो गाइज आपको क्या करना पड़ेगा अब आपको यहां पे जब एनर्जी लिखनी है तो प्लीज पॉइंट के पास कौन कौन सी एनर्जी हो सकती है और ये बॉडी आपके पास सॉलिड बॉडी है ये बॉडी कैसी है सॉलिड बॉडी तो सोच लो पॉइंट वन की टोटल एनर्जी मैं लिख दू टी फोर टोटल इन एनर्जी तो टोटल एनर्जी एट अ पॉइंट वन टोटल एनर्जी एट अ पॉइंट वन ओके okay, और दिसन इज बिकम इज इक्वल टू टी टू दिसन इज बिकम इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट अ पॉइंट ऑफ ये क्या बन गई आपके पास टोटल एनर्जी एट अ पॉइंट ऑफ ये आपके पास बनी टोटल एनर्जी एट अ पॉइंट ऑफ ये टोटल एनर्जी एट अ पॉइंट है और ये टोटल एनर्जी आपके पास पॉइंट ऑफ टू पे है अब क्या होगा अब क्या होगा प्लीज एंड प्लीज प्लीज वन मिनट अब आप देखें अगर ये मैं आपसे कहूं कि मुझे पॉइंट वन से लेकर टू की ओर जाना है तो गाइज आप ऐसे भी जा सकते हैं और बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं या तो आप ऐसे जा सकते हैं या तो आप बिल्कुल ऐसे जा सकते हैं बिल्कुल जा सकते हैं लेकिन यहां से लेके यहां तक जाने के लिए आपने कुछ वर्कडन किया होगा ये बना W12, वन टू वन से टू जाने में तो प्लीज एनर्जी थ्योरम क्या कहती है टोटल एनर्जी एट अ पॉइंट वन टोटल एनर्जी एट अ पॉइंट वन एंड प्लस ऑफ प्लस ऑफ W12 वन टू कम इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट अपॉन टू यही एनर्जी इक्वेशन पता क्या कहते हैं इस एनर्जी इक्वेशन को कहते हैं बर्नोली इस एनर्जी इक्वेशन को कहते हैं बर्नोली अगर डब्ल्यू वन टू जीरोब्लू वन टू जीरो हो गया डब्ल्यू वन टू जीरो कब होगा जब कहीं पर कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं आएगा अगर डब्ल्यू वन टू जीरो हो गया तो आप क्या कहेंगे एनर्जी कंजर्व हो गई अगर डब्ल्यू वन टू जीरो है तो पॉइंट वन की टोटल एनर्जी 2 की टोटल एनर्जी हो गई पॉइंट वन की टोटल एनर्जी बिकम इज की टोटल एनर्जी हो गई यानी कि आप यह कहने वाले हैं कि भाई आप एक बात बिल्कुल सीधी सी समझ लें अगर आपके पास डब्ल्यू वन टू का मैग्नीट्यूड अगर जीरो है अगर डब्लू वन टू का मैग्नीट्यूड अगर आपके पास जीरो हो गया तो याद रखना पॉइंट वन की एनर्जी और पॉइंट टू की एनर्जी आपके पास क्या बन जाएगी बराबर बन जाएगी एक बात आपने कभी पढ़ी है बच्चों अगर दो पॉइंट के पास अगर यहां की एनर्जी जैसे मैं कहूं मेरे पास यहां एनर्जी टोटल एनर्जी कुछ है और कुछ देर के बाद फिर कुछ एनर्जी हो गई और दोनों पॉइंट की एनर्जी अगर बराबर है उसको कहते एनर्जी कंजर्वेशन उसको क्या कहते हैं एनर्जी कंजर्वेशन उसको क्या कहते हैं एनर्जी कंजर्वेशन क्योंकि प्लीज यहां एनर्जी कंजर्व होगी अब टोटल एनर्जी पॉइंट पे कौन कौन सी हो सकती हैं? अगर ये सोलिड बॉडी है तो सोलिड बॉडी के पास केवल दो फॉर्म ऑफ एनर्जी एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी एक कानेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी अगर ये आपके पास मैकेनिक्स होता अगर ये आपके पास फ्लूड होता तो मैं यहां पर आपके पास तीन फॉर्म ऑफ एनर्जी लिखता काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी एंड फ्लोवर्क तीनों एनर्जी लिख देता और क्वेश्चन को सोल्व करके चला जाऊंगा यह पंद्रह नंबर की बात कर रहा हूं पंद्रह नंबर की एग्जामिनेशन में यहां से हंड्रेड परसेंट क्वेश्चन पूछा ही जाएगा हंड्रेड परसेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा तो प्लीज ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी क्या बच्चे आपको एनर्जी थ्योरम समझ में आई क्या एनर्जी थ्योरम आपको समझ में आई तो प्लीज अगर समझ में आए तो फटाफट कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दें आप जैसे यहां पे बहुत सारे बच्चे अभी लाइव भी देख रहे हैं नियर बाई टू से ऊपर बच्चे हैं तो टू से ऊपर बच्चे यहां पे लेक्चर को देख रहे हैं तो प्लीज फटाफट मुझे जल्दी से जल्दी से बता दो कि बताओ मुझे यहां पे आप कैसे कहने वाले हैं कि एनर्जी कंजर्व अगर हो गई तो प्लीज फटाफट फटाफट फटा, लास्ट क्वेश्चन का आंसर अरविंद साहब ने बोला लास्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ अरविंद साहब ने बोला लास्ट क्वेश्चन का आंसर अरविंद साहब यहां पे जो वेलोसिटी बनी थी वो वी की वैल्यू रूट बनी थी बस अरविंद साहब यहां पे एच की वैल्यू पुट कर देना और एच की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी जैसे 10 मीटर 20 मीटर 30 मीटर 50 मीटर जो भी वैल्यू आपके पास होगी और वो आप वैल्यू यहां पुट करेंगे और आंसर सॉल्व करके चले जाएंगे तो गाइज आपसे मैं अगले हफ्ते फिर मुलाकात करूंगा यानी कि कल संडे यहां क्लास ऑफ रहेगी कल आपका बिल्कुल टू थर्टी पे यहां पे कोई भी क्लास नहीं होगी कल संडे है इंजॉय करिएगा कल संडे लेकिन घर से बाहर मत जाइएगा कोरोना चला मेरे लाल घर से बाहर मत जाना कोरोना चला घर के अंदर ही रहना घर के अंदर है ना घर से बाहर मत जाना लेकिन इंजॉय करना कल आपका संडे है कल मजे लेना एकदम लेकिन जो आज आपको पढ़ाया है आप उसको रिवाइज करेंगे पंद्रह नंबर की प्रॉब्लम की बात कर रहा हूं मेरे लाल तो बहुत ही मस्ट इंपॉर्टेंट है हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल अगर फ्रिक्शन अगर हो गया तो डब्ल्यू वन टू जीरो नहीं हो सकता फ्रिक्शन अगर यहां होता तो डब्लू वन टू निगेटिव हो जाएगा डब्ल्यू वन टू निगेटिव हो जाएगा जैसे कोई पर्सन है जैसे मैं पॉइंट वन पे मेरे पास तीस जूल एनर्जी थी और और तुमने कुछ दे दिया जैसे तीस जूल एनर्जी थी पॉइंट पे और तुमने दस और दे दी तो दस मैंने और तो डब्ल्यू वन टू जीरो भी हो सकता है, या तो तुम एनर्जी ना तो सप्लाई करो और ना ही एनर्जी लॉस में जाए तो पॉइंट वन की एनर्जी और पॉइंट टू की एनर्जी बराबर हो गई तो एनर्जी कंजर्व हो गई तो ये बात बिल्कुल आपको याद रखनी है ओके गाइस तो प्लीज आज का लेक्चर आपको समझ में आया डब्ल्यू वन टू मे बी पॉजिटिव डब्ल्यू वन टू मैं अगले लेक्चर में आपको क्वेश्चन भी सोल्व करने सिखाऊंगा तो जैसे कि गाइस आपको पता है हम तेहरा जुलाई को थर्टीन जुलाई को है तेहरा जुलाई थर्टीन जुलाई को गेट का बैच स्टार्ट करने वाले हैं गेट का बैच तो जो भी स्टूडेंट गेट के बैच को ज्वाइन करना चाहता है अगर आपको क्लास का बहुत ज्यादा से मजा चाहिए और आपको बिल्कुल फीलिंग चाहिए तो आप गेट का बैच ज्वाइन करें सत्तर परसेंट ऑफ है सत्तर परसेंट ऑफ है सत्तर परसेंट यानी किसेंट है।, है अगर आप फैकल्टी का प्रोमो कोड यूज करेंगे तो आपको आपको बासठ ऑफ मिलेगा तो प्लीज जल्दी जल्दी से आप बैच को ज्वाइन करें और तीन क्वेश्चन का बैच एक जुलाई से मैकेनिकल के लिए शुरू हो रहा है और बाईस जून से बाईस जून मतलब आने वाले मंडे से जो मंडे आने वाला है मतलब टाइम आपके पास नहीं है टाइम आपके पास नहीं है बाईस तारीख को बाईस जून को मतलब मंडे को हम एस एस सी का फाउंडेशन बैच स्टार्ट करने वाले हैं ओके गाइस तो प्लीज प्लीज और ये बंपर ऑफर सभी बच्चों के लिए फ्लैट बहत्तर परसेंट कितनी बड़ी बात आपको बोल दी गई बहत्तर परसेंट सौरे के सौरे स्टडी मटेरियल पे ऑफ है बहत्तर परसेंट बहुत बड़ी चीज होती है बहत्तर परसेंट मतलब ये सोचो जैसा कोई फीस ही ना पे करनी हो यानी कि जितने भी स्टडी मटेरियल आपको खरीदने हैं फटाफट खरीद डालो ये दो दिन का ऑफर है केवल और प्लीज प्लीज वन मिनट आपको ये कोड यूज करना पड़ेगा बहत्तर परसेंट आपको ऑफ मिलने वाला है तो आज के लेक्चर को मैं यही फिनिश करता हूं आपसे फिर कल मुलाकात करूंगा सेम टाइमिंग पे प्लीज गाइज लेक्चर को लाइक कमेंट और शेयर करना और प्लीज अड्डा टू फोर सेवन अड्डा टू फोर सेवन यानी कि ट्वेंटी फोर सेवन हम आपकी सेवा में तत्पर हैं प्लीज प्लीज वन मिनट इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा तो आज के लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं आपसे फिर कल मुलाकात करेंगे कल संडे है कल मेरी स्पेशल वीकेंड क्लास है और प्लीज कितने बजे वीकेंड स्पेशल क्लास है कितने बजे कितने बजे दस बजे और आपसे फिर कल कर मुलाकात करेंगे दस बजे वीकेंड स्पेशल क्लास में और कल थ्योरी ऑफ मशीन का गियर का टॉपिक पढ़ाऊंगा तो थैंक यू गाइस एंड बाय बाय एंड प्लीज